जिस दिन योगी आदित्यनाथ की सरकार हटेगी तुम फर्जी काम कर रहे हो, फर्जी मालिक का तुम्हें दंड करने का काम करेंगे। यूपी पुलिस को सरेआम धमकी दे रहे ये हैं पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे, जो अयोध्या में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल सपा कार्यकर्ता अयोध्या में किसानों के समर्थन में मार्च निकाल रहे थे। इस मार्च में तेज नारायण भी शामिल थे। मार्च निकालने के दौरान जब पूर्व मंत्री को रोका गया तो वे पुलिस पर भड़क उठे और धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस के लोग पूरे प्रदेश में लाठियां चला रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज करने के बाद सपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ की सरकार हटकर सपा आएगी, पुलिस कर्मियों पर भी फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें दंडित किया जाएगा। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में आंदोलन चल रहा है। पुलिस के लोग लाठियां भाज रहे हैं, फर्जी गिरफ्तारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। लेकिन हम पुलिस के लोगों तुमको बताना चाहते हैं, हमने सरकार चलाई है, हम तुम्हारी हैसियत जानते हैं, इसलिए इतना कहना चाहते हैं कि फर्जी जुल्म अत्याचार बंद करो, फर्जी लाठियां चलाना, फर्जी मुकदमे लिखना बंद करो। क्योंकि जिस किसान ने तुम्हें कुर्सी दी है, वही किसान तुम्हें कुर्सी से हटाना भी जानता है। और जिस दिन योगी आदित्यनाथ की सरकार हटेगी, जो तुम फर्जी काम कर रहे हो, तुम पर भी फर्जी मुकदमा लिखकर तुम्हें दंडित करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे किसान आंदोलन का समाजवादी पार्टी ने पूर्ण समर्थन किया है। वहीं अयोध्या में प्रदर्शन कर रहे पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने पुलिस वालों को ही खुले शब्दों में चेतावनी दे डाली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।